ट्वीट भी देखा था, आपने संवेदना भी इसको लेकर व्यक्त की थी, और अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे आप कहां पर चूक देख पा रहे हैं, कैसे घटनाक्रम हो जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उन तमाम शहीद जवानों को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध की भीड़ ने हत्या की थी, और भीड़ के हत्यारे जब जेल से छूट के आते हैं तो इसी सरकार के लोग उसको माला पहनाकर कंधे पर बैठाकर घुमाने का काम करते हैं। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाना नहीं तो और क्या है जी? रोज की घटना है, लूट, हत्या, डकैती, महिलाओं के साथ घटनाएं, यही उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। कमजोरों पर मुकदमा दर्ज करो, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, और जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर अपराधियों को जिस तरह यह सरकार संरक्षण देते जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका है जी। अजय कुमार लल्लू जी, क्या कांग्रेस की तरफ से आवाज बुलंद की जाएगी आप इसके बाद भी, हम समझे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले समयों में भी हम लोगों ने कानून व्यवस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है, और इन हमारे जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इनका शहीद व्यर्थ नहीं जाएगा, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उन लोगों के लिए आंदोलन करेगी और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।